हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो हमने दाल और थोड़े से आम कट करके सूखने के लिए रखा था, तो उसको उठाने के लिए मैं गई हूँ। उसको उठा के लाऊंगी। आम का जो है, आम को सिरका में डालना है। सबसे पहले मैं दाल को डिब्बे में डाल दूंगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारा बर्तन हो गया था, चाय वगैरह जो हमने बनाई थी, अभी बर्तन नहीं धुलेंगे, इकट्ठा ही बर्तन धुलेंगे। तो यहाँ पे दाल के डिब्बे को हमने पहले ही धुल के रख दिया था, क्योंकि इसमें जो दाल थी वो उसमें घुन लग गया था, तो उसको हमने निकाल दिया था जिसमें दाल में घुन लगा था, और डिब्बे को धुल दिया था। और यहाँ पे हम दूसरी दाल इसमें डाल देंगे डिब्बे में। तो इस दाल को हमने सबसे पहले धुल मतलब साफ करके और इसको धूप में डाल दिया था सूखने के लिए, ताकि अच्छे से इसमें धूप लग जाए। तो यहाँ पे दाल को हम डिब्बे में डाल दिया है। अब डिब्बा बंद करके एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और जो हमने आम कट करके रखा था उसको थोड़ा सा फ्राई करके ही सिरके में डालेंगे। तो यहाँ पे सिरके में लहसुन और हरी मिर्च, कटहल, ये सब भी डालना था, लेकिन आम जो था वो सब्जी के साथ लाए थे, 3-4 आम, तो इसको हमने कट करके धूप में डाल दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, ताकि इसमें पानी बिल्कुल ही ना रह जाए। तो इसको फ्राई होने देते हैं। आम जो है फ्राई हो रहा है और ठंडा हो रहा है, तब तक हम साथ साथ ही खाने की तैयारी कर लेते हैं। खाने में आज हम सिंपल सा खाना बनाएंगे, राजमा और आलू की सब्जी बनाएंगे। तो वैसे तो राजमा सिर्फ अकेले ही बनाया जाता है, लेकिन आज इसमें आलू ऐड करके बनाएंगे। तो यहाँ पे राजमा और आलू को ऐड कर दिया है और ढक्कन लगा दिया है। आम को जो है दूसरे साइड में रख देते हैं और ठंडा होने के लिए, जब तक बिल्कुल ठंडा ना हो जाए तब तक आप इसको सिरके में ना डालें। दूसरी तरफ हमने गैस पे चढ़ा दिया है राजमा और आलू। इसमें 2 सीटी आने तक तक हमारा राजमा पक रहा है, उसमें सीटी आ रही है, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। आजकल काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ पे जो सब्जियाँ आई थी वो धुल के अच्छे से रखी गई थी टोकरी में, पहले रख दी जाती है कुछ टाइम के लिए, जैसे एक दिन पहले ही सब्जी आ जाती है, इसको धुल के धूप में रख दी जाती है, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है कोरोना फैला हुआ है, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे, तो सभी चीज़ साफ़ सुथरा करके ही खाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज हमारा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है, और इसमें कोई भी साग सब्जी नहीं है। अब हम सब्जियों को इसमें रख देते हैं। अब हम सिरका जो है बनाएंगे। सिरके में वैसे मिर्चा, लहसुन और कटहल भी डाला जाता है, लेकिन अभी बाद में ऐड कर देंगे। जैसे जैसे जो सामान मिलेगा वैसे वैसे हम सिरके में डालते जाएंगे। सबसे पहले आम आया था, तो उसको हमने जो है थोड़ा फ्राई करके डाल दिया है। और ये सिरका पिछले साल का है, पिछले साल जब अपने मायके गई थी तो वहाँ से हमने 5 लीटर सिरका लाया था। तो एक जो है 2.5 लीटर का एक डिब्बा जो था पिछले साल हमने बनाया था, और 2.5 लीटर का एक डिब्बा जो था हमने रख दिया था। और इसमें हम आधा ही सिरका ऐड करेंगे, बाकी इसमें कटहल, हरी मिर्च और लहसुन भी डालेंगे। तो यहाँ पे आम ठंडा हो चुका है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। और ये सिरका जो है पकाया हुआ है, कच्चा सिरका नहीं है। तो जब भी आप सिरका बनाएं, सिरके को पहले उबाल लें। तो ये इस सिरके को हमने उबाल के जो है अम्मा के घर से लाई थी, मतलब मम्मी के घर से लाई थी। तो जब वहाँ से लाई थी तो उन्होंने इस सिरके को उबाल दिया है, मतलब खौला दिया है। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको बंद करके रख देंगे। Thank you.
सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए आज बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनाएंगे, मतलब सिंपल तरीके से राजमा बनाएंगे। जैसे राजमा को मसाला होता है वो सब डाल के नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया, तेल गर्म हो चुका है, इसमें तेज पत्ता और जो है जीरा डाल दिया है, ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ हमने 2 प्याज मीडियम साइज के, अदरक लहसुन और हरी मिर्च कट करके रखा था उसको भी डाल दिया। इसको अच्छे से पकाएंगे। प्याज को गलाने के लिए इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 चम्मच। जब आप प्याज में नमक ऐड कर देंगे तो आपकी प्याज जो है बहुत जल्दी से पक जाएगी। इसको ढक देते हैं, यहाँ पे एक बार खोल के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से गल चुकी है। इसको एक बार अच्छे से चला देते हैं। इसमें मसाले ऐड करेंगे, आज बहुत ही सिंपल मसाले डालेंगे। हल्दी डाल दिया 1 चम्मच और यहाँ पे हम 1.5 चम्मच सब्जी मसाला डाल देंगे। आपके पास अगर राजमा मसाला, गरम मसाला कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी सब्जी। और यहाँ पे हम 1/2 चम्मच जो है मीट मसाला ऐड कर देंगे। मीट मसाला ख़त्म हो चुका था, इसको निकालना था, तो यहाँ पे 1/2 चम्मच मीट मसाला ऐड कर दिया है और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर देंगे। इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम कुछ मसाले निकाल लेते हैं। जैसे हमारा मीट मसाला खत्म हो चुका तो उसको निकाल लेंगे, तेज पत्ता भी खत्म हो चुका था उसको निकाल लेंगे, और बाकी के जो मसाले हैं इसको देख लेंगे एक बार, क्योंकि इतने दिन छोड़ के गए थे, मसालों में भी जो है सीलन लग जाती है। तो हालांकि यहाँ पे जो है इसमें सौंफ थी, सौंफ में थोड़ा सा जो है फफूंदी लग चुकी थी, तो सौंफ को हम धूप में डाल देंगे, बाकी सारे मसाले सही हैं। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब है मसाला अच्छे से पक चुका है। इसको अच्छे से मिक्स, हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें ऐड कर देंगे राजमा और आलू। अगर आप आलू नहीं पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजमा ही खाना पसंद करते हैं, तो भी आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हमने बनाया है और आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। बस इसमें पानी ऐड कर दिया है 2 कटोरी के करीब और इसमें एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम इसमें मलाई ऐड कर देंगे। तो इसको ढक के छोड़ देते हैं और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हल्का सा उबाल आ चुका है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच मलाई। अभी हमारे पास ज़्यादा मलाई नहीं थी, सिर्फ 1 चम्मच मलाई थी। अगर आपके पास और ज़्यादा है तो इसमें और ज़्यादा भी मलाई ऐड कर सकते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। सकते हैं आप फाइनल लुक, हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सब्जी। और अब हम रोटियां बना लेंगे और सिंपल सी रोटियां ही बना रहे हैं, राजमा की सब्जी रोटी और हमने आम की चटनी बनाई थी मीठी वाली। तो रोटी बना के हम बच्चों को सबसे पहले खाना लगा देंगे, वो बच्चे खा लेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो भी बहुत ज़्यादा मतलब अभी 8 ही बज रहे हैं तो 8 बजे तक नहीं खाते, लगभग 9 बजे तक खाना खाते हैं। लेकिन बच्चे जब से गांव से आए हैं इन लोगों की आदत पड़ चुकी है 7 बजे खाना खाने की, तो ये लोग जल्दी खाना मांगने लगते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी बना दिया है। लेकिन अभी 8 बज रहे हैं तो जब तक ये लोग खाना खाएंगे तब तक हम गैस और बर्तन दोनों साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा खाना हमने बनाया है शाम के टाइम, राजमा और आलू की सब्जी और रोटी और जो है थोड़ा सा आम की चटनी बनाई थी। तो मीठी चटनी जो है गोलू को सबसे ज़्यादा पसंद है आम की, तो वही खाते हैं। तो यहाँ पे गोलू के लिए खाना निकाल दिया, आप देख सकते हैं मीठी चटनी और आलू राजमा की सब्जी और रोटी, बस यही बनाया था शाम के टाइम। तो हमारा डिनर तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए और सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। यहाँ पे दोनों लोग खाना खा रहे हैं, अभी हम जो है गैस और बर्तन धुलने के बाद ही खाना खाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी भर दूंगी पीने के लिए, क्योंकि पानी जो है डिब्बे में ख़त्म हो चुका था, तो सबसे पहले डिब्बे को भी धुल के साफ करके ही पानी भरेंगे, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई से सारा काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले डिब्बे को अच्छे से धुल लेंगे, इसके बाद उसमें पानी भर देंगे। और आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आज की वीडियो में हमने अपना शाम का रूटीन शेयर किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी और रोटी बनाई थी, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि।